हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू संतरा इलेक्ट्रिकल हाफ। मैं विश्वजीत आज आपके साथ वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। मेरे बोर्ड में अभी देख सकते हो, ये लिख के रखा हूँ मॉस्फेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन, जिसका मेक है वेल्डमैन कंपनी का और मॉडल नंबर R200 है। मैं इसका प्रैक्टिकल में जाके दिखाएंगे क्या केस है, क्या फॉल्ट है। फ्रेंड देख सकते हो, मेरे पास ओल्डमैन कंपनी का मशीन है, इसका मॉडल नंबर है R200। मैं इसको अभी पावर दूंगा। देखिए मैं अभी पावर दे रहा हूँ डिस्प्ले में। अभी देखते हैं डिस्प्ले में, इधर ओसी लाइट ग्लो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको पावर बंद कर अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। देखिए मीटर का जो रेंज है, इसको मैंने 200 में रख दिया हूँ, 200 में रखा हूँ। मशीन का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। अभी देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज डिस्प्ले मीटर में देख सकते हो 0 है। मैं इसका नॉब घुमा रहा हूँ, देखिए करंट 63 हो रहा है, 67 हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसको मैं खुल के आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसका पावर बंद किया हूँ, अभी वो कैपेसिटर चार्ज है इसलिए बंद होगा। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसका सब नॉट पहले से खोल के रखा हूँ, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से। देखिए मैं इसको खोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका पावर डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर मैंने इसको इसका एक प्रोसेस है आपको दिखाऊंगा। देखिए ओसी लाइट जल रहा है। अब इसको मीटर को कंटिन्यूटी में दे सकते हो देख के। अब देखिए मीटर पर दे रहा हूँ, बीप करके साउंड आ रहा है। मैं इधर जो वो जो लाइन है जो वेल्डिंग कर रहा है उसको मैं लगा रहा हूँ, देखिए बीप आ रहा है, नॉइज आ रहा है। तो इधर बीप साउंड आ रहा है, इसका मतलब फुल शॉर्ट है। इसका अंदर जो डायोड लगा है, इधर जो डायोड लग के रखा है इधर, और अब देख सकते हो इधर जो डायोड है, इस डायोड में किसी डायोड शॉर्ट है। तो उसको शॉर्ट चेक करने से पहले मैं और भी देखूंगा अदर सेक्शन में कुछ फॉल्ट है कि नहीं। इधर आप देख सकते हैं कनेक्टर है, इसको मैं अभी खोल दे रहा हूँ। इसको खोल देने से क्या होता है, इसका जो मॉस्फेट है उसको स्विचिंग करके इधर से आउटपुट एसी आउटपुट जाता है, जिसका इसका अंदर ट्रांसफार्मर लगा है। इसको स्विचिंग करके एसी वोल्टेज आउटपुट होता है, इसी वोल्टेज को डीसी में करके देता है। तो अगर इसमें खोल दिया तो नीचे का सर्किट जो सेक्शन है आइसोलेट हो गया, तो इसका मतलब ओसी लाइट नहीं जलना चाहिए था। तो उसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए अभी ओसी लाइट चला गया, इसका मतलब नीचे ही कॉन्फर्म शॉर्ट है। इधर नीचे तो शॉर्ट है, ऊपर कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसका जो आउटपुट है उसको मैं चेक कराऊंगा। आप देख सकते हो इधर आउटपुट मैं चेक कर रहा हूँ आपको, देखिए मेरे रीडिंग में मीटर में देख सकते हो, ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में हो रहा है इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो। अभी देखिए 700 वोल्टेज हो रहा है, अभी इधर देखिए 700 वोल्टेज हो रहा है मीटर में, देखिए हाँ। तो इधर से आउटपुट दे रहा है, इसको बंद कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, तो अभी मैं इसको ओपन करूंगा, लेकिन अभी क्यों नहीं करूंगा, वो पार्टी जो देख के गया है उसको कितना पैसा लगेगा क्या उसको बात करना पड़ेगा। इसके लिए एक डायोड परचेस करके रखा हूँ, देखिए अभी इधर देख सकते हो कैमरा में नहीं दिख रहा है शायद, तो मैं देखिए फ्रेंड इसका डायोड नंबर D92-02, इस नंबर का डायोड लगा है। तो वो मैं खरीद के लाया हूँ, इधर जो देख सकते हो आप, इधर देख सकते हो यहाँ पे लगा होता है, किसी एक डायोड शॉर्ट है। मैं इसको चेंज करूँगा, उसके बाद उसका सही हो जाएगा, लेकिन अभी क्यों नहीं करूँगा, अभी पार्टी हाँ बोलेगा तब कर। फ्रेंड्स आज इतना तक, अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए टेक्नीशियन दोस्तों के साथ, और लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नया एक वीडियो के साथ, जिसमें वेल्डिंग मशीन के बारे में और भी फॉल्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।